एक छोटी सी कविता लिखी है पुराने टाइम में जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, तो कुछ थोड़ा सा सभी के पास ये एक बार टाइम जरूर आया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो दौर भी गजब था जब मोबाइल ना होता था। वो दौर भी गजब था जब मोबाइल ना होता था, डायरी हुआ करती थी। वो दौर भी गजब था जब मोबाइल ना होता था, डायरी हुआ करती थी, और लव लेटर को कहते थे चिट्ठी। लव लेटर को कहते थे चिट्ठी, और चिट्ठी में शायरी हुआ करती थी। लिखना होता था मुश्किल जितना, बड़े छिप छिप के लिखते थे ना इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के, तो घर वाले तो अलाउड नहीं करेंगे, होमवर्क हो गया पूरा। बट फिर भी लिखना होता था मुश्किल जितना, पकड़े जाने पर पापा की मार बड़ी गहरी हुआ करती थी। वो दौर भी गजब था जब मोबाइल ना होता था और डायरी हुआ करती थी। यहाँ पर कुछ ये इश्क मोहब्बत प्यार पता नहीं क्या होता है इससे रिलेटेड सुना जी। हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है, यूं अदाओं से अपने गुनाहों को छुपाने की सिफारिश ना कर। ना जी, हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है, यूं अदाओं से अपने गुनाहों को छिपाने की सिफारिश ना कर। है मुकद्दर में मेरे बेवफाई मैंने मान लिया, है मुकद्दर में मेरे बेवफाई मैंने मान लिया, पर जो की है मैंने मोहब्बत, मुंह फेर कर मुझसे तो इसकी तोहीन ना कर। यूं तो कभी हुआ करते थे हम भी सपनों के सौदागर, यूं तो कभी हुआ करते थे हम सपनों के सौदागर, करके सौदा मेरी मोहब्बत का तू रकीब से, तू अपनी बेवफाई की अजालिम नुमाइश ना कर। सो एक और कि मौसम समझो माहौल समझो, समझो रुते मिजाज को, और जिसने जो जो लिखा है पढ़ दो आकर, कर दो करके बुलंद आवाज़ को। यहीं पे अपनी लाइनों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।